कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ब्यूरोक्रेसी रात दिन एक किए हुए है। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अपने अपने जिले में जी जान से जुटे हैं। इन्हीं अफसरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक भी हो गए। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले नागरिकों को याद करते हुए पीएम मोदी का गला रुंधाया। प्रधानमंत्री के तौर पर इन 7 सालों में पीएम पब्लिकली बात करते 5 बार भावुक हुए हैं। आइए जानते हैं ऐसा कब कब और कहां हुआ। मैं अडवाणी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की, क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए मैं सबसे पहले उन 125 करोड़ भारतवासियों को नमन करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को अपना बना लिया। दूसरी बात है, बहुत सामान्य परिवार में से कैसे गुजारा करना, हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माताजी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसका उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, और ना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहुत कर दिया है। और इसलिए मैं सभी माताओं को शत शत वंदन करता हूं और उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद न हमें शक्ति दे पर हमें सही रास्ते पर रखे। और वही मां की सबसे बड़ी ताकत होती है। मां कभी नहीं चाहती है कि आप कुछ बन जाओ, लेकिन मां हमेशा चाहती है कि आप कैसे बनो। और ये मां का सपना होता है कैसे बनो, कुछ भी बनो, ये कभी मां का सपना नहीं होता है, ये फर्क होता है। और इसलिए हर किसी के जीवन में मां का बहुत बड़ा योगदान होता है। थैंक यू मार्क। जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके परिवार पर क्या बीती होगी? मां भारती ने अपना एक लाल खोया,
अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। इसकी पीड़ा मैं भली भांति महसूस करता हूं। लेकिन अगर आप अपनी दुनिया में इतने मस्त थे कि और पॉलिटिकल पार्टी की तरह यह भी आकर के चला जाएगा, मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हूं। मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति